गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम स्कूल सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस। विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इन दिस वीडियो वी रिवाइज द चैप्टर 2। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म्स सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल सजेस्ट द नेचर ऑफ द स्टेट एंड द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो कंटेन्स November 26, 1949 एज अ डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारी कंट्री कैसी है, सोवरिज्म है, सोशलिस्ट है, यहाँ सेकुलरिज्म है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, इक्वेलिटी है, बराबरी है सबको, लिबर्टी है सबको, आजादी है सबके लिए, जस्टिस इक्वल है। एंड इसको भी 26 1949 को एडॉप्ट करा गया था, कंटेन करा गया था अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को चलाने के लिए, मूव करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हर प्रिंसेस और प्रोविजनल स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए, जो उस टाइम के फेम लीडर थे उनको चूज किया गया और उन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा। इसी को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं मेंबर्स की असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नेम दिया गया, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस, और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, एक्सप्लेन इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टूगेदर इन अ कंट्री। एक कंट्री को चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो रिटन सेट ऑफ रूल्स हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जिसमें बताया गया जितने भी हमारे कंट्री के लोग हैं सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड कॉल्ड सिटीजन एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का, और इसमें पीपल्स के आपस में कैसे रिलेशनशिप है और पीपल्स के सिटीजन्स के गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकेशन। फर्स्टली इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव द पावर टू टेक दिस डिसीजन। फर्स्टली कौन गवर्नमेंट चलाएगा, किसके पास पावर होगी, कितनी पावर होगी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर लाइक आवर कंट्री। हमारी कंट्री कैसी है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, यहाँ अलग अलग टाइप के रिलीजन, कास्ट एंड रीजन से लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाना, उनको एक साथ मिलकर रहने के लिए इन सब के लिए एक ऐसे लॉ की जरूरत है जिसको सभी फॉलो करें। राइट्स एंड ड्यूटीज, इट ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस फर्स्टली इम्पोर्टेंट है, उसमें जो सिटीजन्स हैं उनके राइट को दिया गया, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको क्या वर्क करना है, किस तरह करना है, इन सबके बारे में बताया गया है। नाउ गुड सोसाइटी, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और इसमें एक्सप्रेस किया गया जो लोग हैं वो उनको सोसाइटी कैसे, उनसे अच्छी जो सोसाइटी, गुड सोसाइटी के बारे में बताया गया, हमें कैसी सोसाइटी चाहिए और सोसाइटी किस तरह बनेगी और किस तरह बननी चाहिए। नाउ विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इट पास्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26
नवंबर 1949 को ही पास कर दिया गया था। व्हेन वाज इट इन्फोर्स्ड और कब लागू किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 और ये 1950 को इन्फोर्स किया गया था, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड व्हाई वाज दिस डेट चूजन, इस डेट को क्यों चूज किया गया था? बिकॉज 1949 में ही जब इसको क्या कहते हैं पास कर दिया गया था, तब नहीं बनाया गया इसको 1950 26 जनवरी ही क्यों यूज करी गई रिपब्लिक डे के लिए। इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस इन इट्स लाहौर सेशन हैड डिसाइडेड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था तो उसमें जितने भी मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने डिसाइड किया था हम पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करेंगे इस, और 26 जनवरी 1930 को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था एज द इंडिपेंडेंस डे। सिंस देन दैट इज व्हाई आवर लीडर्स डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज 26 जनवरी 1950 एज द डे टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी रीजन से 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, इसलिए इस डेट को चूज करा गया था। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक।